देवास का जिक्र करेंगे। बीजेपी सांसद को धमकी मिली है, देवास सांसद को जान से मारने की धमकी मिली है। यूपी के कानपुर से धमकी वाला फोन आया। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को फोन पर धमकी दी गई। सांसद ने एसपी से शिकायत की है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस अभी जुटी हुई है। तो सांसद को धमकी भरा फोन आया है, यूपी से ये फोन आना बताया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी गई है और अब इसकी शिकायत एसपी से भी सांसद के द्वारा की गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी वरुण राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, क्या है मामला, कौन था ये, कुछ अब तक पता चल पाया है जिसका धमकी भरा कॉल आया था? देखिए, अभी प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह सूचना मिली है कि जिस फोन नंबर से उन्हें फोन आया था वो कानपुर और यूपी के नंबर का बताया जा रहा है और उक्त मामले में जो है एसपी से शिकायत करने की बात जो है की जा रही है। हालांकि जो है पूरी तरह की ऐसी जानकारी इसमें अभी सामने नहीं आई है, शिकायत के बाद ही इसमें कुछ जानकारी सामने आएगी। क्या लग रहा है, क्या कहना है पुलिस का, कब तक ये जो जानकारियां निकल करके आएंगी, क्योंकि ये बड़ी बात है सांसद के बाद पास एक धमकी भरा फोन जाता है, ये भी जानकारी आई होगी कि क्या उनकी किसी से दुश्मनी या मनमुटाव ऐसी कुछ चीजें? देखिए, अभी फिलहाल ऐसी कोई मनमुटाव जैसी स्थिति कोई सामने नहीं आ रही है। हालांकि शिकायत अभी जो है सांसद कार्यालय द्वारा यहाँ से की जा रही है और शिकायत के बाद ही इसमें कुछ जो है पूरी बात सामने आ पाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण। मुरैना में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा देखने को मिला। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला हो गया। टीम पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव किया। पथराव के दौरान 3 महिला घायल हुई हैं। घायलों के परिजनों ने जाम लगा दिया। काफी समझाने के बाद जाम खोला गया। तो अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। मुरैना की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर खूब हंगामा हुआ। अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची थी, लोग इकट्ठा हो गए, हंगामा करते हुए नजर आए। खंडवा में मोहर्रम के ताजियों के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के झंडे लहराने को लेकर मामला गरमा चुका है। राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच ने झंडे फहराने के खिलाफ प्रदर्शन किया। राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच ने सड़क पर तिरंगा लहराया, साथ ही इसराइल का झंडा लेकर समर्थन दर्शाया। इस दौरान फिलिस्तीन को आतंकी संगठन हमास का समर्थक बताया, साथ ही झंडा लहराने वालों और उनके नेतृत्वकर्ताओं पर कठोर कार्रवाई की मांग की। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं खंडवा की तस्वीरें हैं जहां पर मोहर्रम के ताजियों के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के झंडे लहराने को लेकर अब मामला गरमा चुका है। ये मोहर्रम के दौरान झंडे लहरा रहे थे और अब ये मामला सामने आया है, वीडियो सामने आया है। जानकारी लेंगे सहयोगी अमित जसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए नजर आए, अब कहीं ना कहीं सियासत भी गरमा रही है, अलग अलग तरह के रिएक्शंस बयान आ रहे हैं, क्या ज्यादा जानकारी है, क्या कहा जा रहा है, कार्रवाई होगी क्या? जी बिल्कुल, आज खंडवा की अगर बात करें तो राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच ने खंडवा के बड़ा बम चौराहा पर प्रदर्शन किया है और उन्होंने हाथों में तिरंगा लहराया और साथ में इसराइल का झंडा भी लिया और इसराइल का समर्थन भी दर्शाया और खास तौर से ये बात कही कि जिन्होंने फिलिस्तीन का झंडा लहराया है और आतंकी संगठन हमास का समर्थन किया है उन लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और न सिर्फ उन लोगों पर होनी चाहिए बल्कि उनका जो नेतृत्व करने वाले हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उधर पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है और उनका अनुसंधान इस पूरे मामले पर चल रहा है और संभवतः इस मामले में जल्द ही कार्रवाई की बात भी सामने आ सकती है। केस दर्ज किए जाने को लेकर पुलिस लगातार जो है कानूनविदों की सलाह भी ले रही है और कानून को भी खंगाला जा रहा है कि किन धाराओं में इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जानकारी को साझा करने के लिए। बात करेंगे जबलपुर की, गोदाम में ब्लास्ट बना है रहस्य, अभी तक रहस्य बना हुआ है ब्लास्ट का मामला, मौके पर नहीं मिले हैं बारूद के कण, पुलिस ये बता रही है। फॉरेंसिक BDDS की टीम जांच कर रही है। गोदाम में लगे CCTV के DVR भी गायब हैं। कंचनपुर इंडस्ट्रियल एरिया गोदाम में ये ब्लास्ट हुआ था। कपिल जैन, सलील जैन द्वारा संचालित किया जा रहा था यह गोदाम। रायपुर की आर्यन इंडस्ट्री ने कबाड़ खरीदा था। जबलपुर की COD फैक्ट्री से ये कबाड़ खरीदा गया था। आयरन इंडस्ट्री के मालिक ने जबलपुर में ही कबाड़ बेच दिया था। अरे अब ढूंढते हैं, अभी पहुंचे तो
ग्वालियर में छात्रा के साथ गैंगरेप का एक मामला सामने आया। गैंगरेप के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी कृष्णा सोनी और सत्यम बाथम गिरफ्तार हुए हैं। घटना के दौरान इस्तेमाल कार भी बरामद की गई है। घटना के दौरान बनाए वीडियो मोबाइल भी जब्त किए गए। तीसरे आरोपी की तलाश में अभी पुलिस जुटी हुई है। बच्ची ने बताया जो स्टेटमेंट किया वो एक ही आरोपी ने दुष्कर्म किया, और मेरा सभी से बच्चों से अपील भी है कि इस प्रकार से कोई भी अननोन पर्सन से इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप पे कोई भी अननोन रिक्वेस्ट आती है, एक तो कोई कोई एक्सेप्ट नहीं करे, दोस्ती नहीं करे, और दूसरा आपके साथ में यदि कोई जाने अनजाने में कोई घटना भी हो जाती है तो तत्काल अपने परिजनों को बताएं जिससे कि कोई वायरल नहीं करे आपका। और प्रकरण में जो है धारा जो है 376 363 366 पास्को एक्ट और आईटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों गिरफ्तार का न्यायालय पेश। बारिश में बैतूल में कंडम बसों की पोल खोल दी है। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बारिश के समय बस की छत से पानी गिरते हुए नजर आया। अब वीडियो सामने आने के बाद आरटीओ पर भी सवाल उठने लगे हैं। जब यात्री बस की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है तो फिर बस को फिटनेस सर्टिफिकेट आखिर कैसे मिला। वायरल वीडियो की जानकारी कलेक्टर तक पहुंची है जिसके बाद कलेक्टर ने जांच की बात कही है। ये तस्वीरें आपके सामने बैतूल की, क्या हालत है बसों की, ये बसें बयां कर रही हैं। और ये हर बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। कई बार ऐसी बसें हैं जो दौड़ती हैं सड़कों पर और शायद इन पे इनकी फिटनेस पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता और हादसे भी आए दिन हम देखते हैं। इंदौर का जिक्र करेंगे। खजराना मंदिर में अश्लील हरकत हुई है। दुकानदार ने नवविवाहित का वीडियो बनाया। नवविवाहिता का शौचालय में खिड़की से अश्लील वीडियो बनाया। युवती ने पुलिस में शिकायत की है। सीसीटीवी में भागते हुए बदमाश दिखाई दिया। भोपाल के अशोका गार्डन थाने में सुंदरकांड पाठ मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस कमिश्नर ने अशोका गार्डन थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर दिया है। निजी व्यक्ति को थाने में सुंदरकांड की मंजूरी देने के मामले में गलती पाते हुए टीआई हेमंत श्रीवास्तव से स्पष्टीकरण मांगा गया। आपको बता दें कि मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी। मुलाकात में जीतू पटवारी ने कार्रवाई की मांग की थी और कहा कि पुलिस कमिश्नर ने दो दिन का समय मांगा है और दो दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे। अनुमति दी गई थी सामान्य तौर पर थानों में, कई थानों में जहां बहुत सारे मंदिर हैं, मजार हैं, अनेक दूसरे कई जो धार्मिक स्थल हैं, उस तरह के स्थल पूर्व से थानों में मौजूद हैं, इन जगहों पे आयोजन होते हैं, लेकिन इन जगहों पे निजी व्यक्तियों को समानता अनुमति नहीं दी जाती है। तो थाना प्रभारी के स्तर पर ये त्रुटि हुई थी और इसके लिए थाना प्रभारी का स्पष्टीकरण लिया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने आज जो कल की घटना है, एक टीआई ने निजी आयोजन करवा दिया थाने के अंदर। हमने कमिश्नर साहब को कहा है कि या तो पूरे भोपाल में निजी आयोजन की हमें अनुमति दें, हम भी पूरे थानों में एक साथ अपना अपनी धार्मिक परंपराओं के साथ अपना आयोजन करना चाहते हैं, या फिर सर्विस बुक का पालन करें, सर्विस बुक एक अधिकारी को शपथ लेकर पालन करने की अनुमति देती है। अगर सर्विस बुक का पालन करना है तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो, सस्पेंड करो, या फिर आपको आयोजन करने की अनुमति सही दिखती है तो फिर हमें भी, कांग्रेस पार्टी को भी, सारे थानों में एक साथ भोपाल के आयोजन करने की अनुमति दो। सुंदरकांड जबलपुर में कल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जुटेंगे देश विदेश के उद्यमी। बता दें सीएम यादव कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। 5 सेक्टर्स पर फोकस किया जाएगा। एग्रो, माइंस, डिफेंस, टूरिज्म और गारमेंट्स क्लस्टर पर चर्चा होगी। कॉन्क्लेव के लिए करीब 3,500 इन्वेस्टर ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। कॉन्क्लेव को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां भी चल रही हैं। इंडस्ट्रियों को पंख लगाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है और इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में देश भर से तकरीबन 3,500 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यानी जबलपुर में, जबलपुर सहित पूरे महाकौशल में उद्योग लगाने के लिए, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में इन्वेस्ट करने के लिए
लोग आएंगे, उद्योगपति आएंगे और उसको लेकर के ये तैयारियां चल रही हैं। इस तरफ आपको दिखाना चाहूँगा कि ये रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर्स बनाए गए हैं, जहाँ पर अगर कोई अचानक से कोई उद्योगपति या व्यापारी आता है तो वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। 20 जुलाई को जबलपुर में होने वाली इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सीएम यादव ने कहा कि औद्योगिक विकास दर में एमपी को देश में नंबर वन बनाना है। सीएम ने कहा कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार नए कदम उठा रही है। सीएम ने उज्जैन में रीजनल इन्वेस्टर समिट का जिक्र किया और कहा कि अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। उद्योग निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक के बाद एक हम नए कदम उठाने जा रहे हैं। बीते समय उज्जैन में 1-2 मार्च को इन्वेस्टर की मीट की थी, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लगभग 75,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़कर के कई सारे प्रस्ताव आए और इसी प्रकार से कल 20 जुलाई को इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, जिसमें देश भर के अलग अलग निवेशक, औद्योगिक घराने, हमारे प्रदेश के अंदर के उद्योग व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाले अलग अलग क्षेत्र के बड़ी संख्या में नए प्रस्ताव आने की संभावना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मध्यप्रदेश के संसाधन के बलबूते पर खास करके कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, हेल्थ, इंडस्ट्री की तीनों प्रकार है, लघु उद्योग, हेवी उद्योग या मध्यम श्रेणी से नीचे वाले कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के उद्योगों से जुड़ करके ही प्रदेश की प्रगति की जा सकती है। इसी थीम पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं कल की होने वाली इस इन्वेस्टर समिट का स्वागत भी करता हूँ और प्रशासन को बधाई देता हूँ जो इस पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के मध्यप्रदेश को औद्योगिक विकास दर में नंबर वन पे प्रदेश को देश में पहुँचाना है, हम इस पे काम कर रहे हैं। अभिनेता और निर्देशक अदिवी शेष ने नेटवर्क 18 के प्रोजेक्ट वन ट्री का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पेड़ हमारे शहरों की लाइफलाइन है, वे हमें छाया देते हैं, तापमान को कम रखते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और कई प्रकार के पक्षियों को घर देते हैं। उन्होंने लोगों से पौधे लगाने की अपील की। Hi guys, I'm Adivi Shesh and I stand in support of Network 18's project One Tree. Trees are the lifeline of our cities. They give us shade, they keep the temperature down, they give us oxygen, they hold the many species of birds. We really need many more reasons to plant a tree, to save our trees. और यार रुक रहे हैं।